अगली खबर आ रही है इंदौर से, जहां 10 साल के बच्चे से कुकर्म करने के आरोप में गिरफ्तार हलवाई ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। वह अब तक एक दर्जन मासूम बच्चों से घिनौनी हरकत कर चुका है। बच्चों ने डर और बदनामी के भय से पुलिस को रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी। पुलिस आरोपित को कड़ी सजा मिले इसलिए ठोस साक्ष्य जुटा रही है। आरोपित पर धारा 377 और अपहरण का केस दर्ज किया गया है। चंदननगर पुलिस ने 2 दिन पूर्व धर्मेंद्र चौधरी नामक सिरफिरे को पकड़ा है, जो एक बच्चे के साथ कुकर्म कर फरार हुआ था। पेशे से हलवाई, इस आरोपित से पूछताछ की तो पता चला कि वह बच्चों का यौन शोषण करता है। उसने करीब एक दर्जन बच्चों के साथ कुकर्म किया है। जांच में शामिल एक अफसर के मुताबिक धर्मेंद्र शादी पार्टियों में खाना बनाने का काम करता है, इसी दौरान बच्चों से गलत काम करता था। आरोपित ने घटना तो स्वीकार कर ली लेकिन उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं हुई। फिलहाल उसे एक बच्चे की रिपोर्ट पर ही गिरफ्तार किया गया है। चंदननगर TI अभय नेमा के मुताबिक धर्मेंद्र के विरुद्ध 28 मई को 10 वर्षीय बच्चे की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया गया था। धर्मेंद्र बच्चे को पटाखे दिलाने के बहाने ले गया और उसका शारीरिक शोषण किया। पुलिस ने केस दर्ज कर तलाश की लेकिन वह फरार हो गया। जोन 4 के DCP राजेश कुमार सिंह ने उसकी गिरफ्तारी पर ₹2000 का इनाम घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपित को जेल भिजवा दिया है। TI के मुताबिक घटना के बाद आरोपित पर धारा 377, 366, 363 जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। उस वक्त आरोपित अज्ञात था, वह बच्चे को मोटरसाइकिल से ले गया था। पुलिस ने मुश्किल से शिनाख्त की और आरोपित धर्मेंद्र चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना चंदननगर क्षेत्र में मई माह में एक 10 वर्षीय बालक के साथ एक व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल पर ले जाकर दुष्कर्म किया गया था। तब से वो फरार चल रहा था और अज्ञात था, जिस पर काफ़ी पूछताछ की गई, काफ़ी पतराशी की गई, तब जाकर उस अज्ञात व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। ये चंदननगर क्षेत्र का ही रहने वाला था, मोटरसाइकिल से बच्चों को ले जाकर उनके साथ गलत काम करता था, जिसकी शिकायत की गई थी, जिस पर प्रकरण काम किया गया था। काफ़ी संवेदनशील मामला था, चूँकि बालक छोटा था इसलिए इसकी गिरफ्तारी आवश्यक थी। काफ़ी पतराशी के बाद इसको गिरफ्तार किया गया है। धारा 377, 366, 363, 377 और 506 IPC के तहत और पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।